The next topic is butter making. Tubs of butter fun, created by John Jackson. Making butter from raw milk. Usually this is a practice. Our parents, they used to make the butter. आपने देखा होगा कि वो बटर कैसे बनाते हैं. मोस्टली जब ये दूध को, जो फुल क्रीम मिल्क होता है, उसको जब योगर्ट बनाते हैं, और योगर्ट के ऊपर से भी जो है वो बटर कलेक्ट होता है, प्लस दूध को जो है वो पैस्चराइजेशन टेम्परेचर पर रखा जाता है, और उसके ऊपर से क्रीम की एक थिक लेयर जो है वो कलेक्ट की जाती है, जिसमें अगेन सिर्फ बटर नहीं होता और भी कुछ मिल्क के सॉलिड्स होते हैं, जिनको बाद में स्लो पैस्चराइजेशन टेम्परेचर के ऊपर घरों में, मोस्टली आपने देखा होगा घरों में जब दूध के ऊपर से मलाई या क्रीम बहुत सी इकट्ठी हो जाती है, तो माओं को देखा होगा आपने कि वो स्लो हीट पर उस क्रीम को रख देते हैं, जो मेल्ट होती है, और मेल्ट होने के बाद उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स मिल्क के होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, थोड़े से डार्क कलर के हो जाते हैं, और ऊपर जो बटर की एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर आती है, वो उसको थोड़े टाइम के बाद लो टेम्परेचर पे उसको पड़ा रहने देते हैं, फिर वो ऊपर से उठा के फिल्टर कर लेते हैं, और नीचे जो रेजिड्यू होता है उसको वो हटा देते हैं. तो ये एक रफ मेथड है जो घरों में इस्तेमाल होता है. इंडस्ट्रियली व्हाट इज़ द मेथड? मेकिंग बटर फ्रॉम रॉ मिल्क. ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टूडेंट विल फॉलो द प्रोसेसिंग ऑफ बटर फ्रॉम रॉ मिल्क डिलीवर फ्रॉम द डेयरी फार्म ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ बटर. एक्टिविटीज़ क्या हैं? इन दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट विल लर्न अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स थ्रू द फॉलोइंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज. पैस्चराइज रॉ मिल्क, सेपरेट क्रीम फ्रॉम रॉ मिल्क, मेक बटर फ्रॉम क्रीम. ये डिफरेंट इसकी शेप्स हैं, जैसे बनती हैं. डेयरी प्रोडक्ट्स ऑल ओरिजिनेट एट द डेयरी फार्म्स. मोस्ट डेयरी प्रोडक्ट्स इन द US कम फ्रॉम डेयरी काउस, विद इन होलस्टाइन बीइंग द मोस्ट प्रोमिनेंट ब्रीड. एक इनकी नस्ल है. द फार्म, द काउस आर प्लेस्ड इन द होल्डिंग्स पेन वाइल दे आर वेटिंग टू बी मिल्क्ड. मिल्किंग मशीन्स होती हैं जो गाय के साथ लगा दी जाती हैं, और जिनका काम ये होता है कि वो दूध जो है उसमें से निकालें. काउस व्यू ऑफ पार्लर. फिर उसके बाद वो कैसे काम करते हैं, वहाँ पर मशीन्स कैसे लगी होती हैं. नेक्स्ट, द काउस आर प्लेस्ड इन द मिल्किंग पार्लर. दिस इज़ वेयर द एक्चुअल मिल्किंग टेक्स प्लेस. मिल्किंग मशीन से, ये मशीन्स हैं जिससे वो मिल्क जो है वो कलेक्ट होता है फार्म में. फिर उसके बाद ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं. आफ्टर द वो क्लीन करते हैं, बिकॉज के ये पेरिशेबल फूड है, और जब आप मिल्किंग मशीन्स को यूज़ करते हैं तो उसके बाद उनकी स्टरलाइजेशन भी करते हैं. फिर उसके बाद फॉर्म में क्या होता है? ऑटोमेटिक वॉश सिस्टम होता है. रन सैनिटाइजेशन, वॉश थ्रू ऑल पाइप्स फॉर श्योर करना ज़रूरी है, वरना आप जो है वो पेरिशेबल फूड है. फिर सारा बल्क अमाउंट ऑफ कलेक्टेड टैंक्स में जो मिल्क होगा वो सारा स्पॉयल हो जाएगा, कर्डल हो जाएगा. अच्छा, फिर उसके बाद ये बड़े बड़े से वो हैं. द मिल्क फ्रॉम द काउस विल फाइनली एंड अप इन द बल्क टैंक्स. व्हेन द मिल्क ट्रक ड्राइवर अराइव, इट इज़ his responsibility to take samples of the milk from the bulk tanks. Making butter. Making butter के लिए देखें, इन्होंने temperature बताया है 145 Fahrenheit है. फिर time है. फिर उसके बाद जैसे दूध को वो गर्म किया जा रहा है. Step one, if students are going to taste the milk must be pasteurized only if raw milk is used. Pasteurize the milk holding at 145 Fahrenheit for 30 minutes and cool rapidly to 40 to 50. अच्छा, देखें अब यहाँ पर वो देखें कैसे उसके ऊपर से जो क्रीम है वो उठा रहे हैं.
अलग कर रहे हैं, या आप घर में भी ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकती हैं। बस सिर्फ गाय की ज़रूरत नहीं है, रॉ मिल्क जो अच्छी क्वालिटी का हो वो अगर आपके पास हो ताज़ा दूध, तो उससे आप ये प्रोसेस घरों में होता है। स्टेप टू क्या है, मिल्क शुड बी अलाउड टू सिट एट रूम टेम्परेचर, उसको सेटल डाउन होने दें कि उसके ऊपर एक लेयर ऑफ क्रीम आ जाए। ओवर नाइट टू अलाउ द क्रीम टू राइस एट द टॉप, फिर उसके बाद जैसे घरों में होता है उसको ऊपर से कलेक्ट कर लेते हैं। स्टोर ब्रॉड क्रीम, ये बाहर से जो आप लेकर आते हैं और जो घरों में क्रीम होती है ये इस कंडीशन में होती हैं। स्टेप टू क्या है, कंटिन्यूड एज पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज यू कैन आइदर यूज़ रियल रॉ क्रीम और यू कैन परचेज हैवी व्हिपिंग क्रीम, बोथ विल वर्क व्हेन मेकिंग बटर। अच्छा, एक्चुअली ये प्रैक्टिकल जो है ये दोनों तरीक़ों से, फ्रेश क्रीम से भी और जो बाहर से टेट्रा पैक्स होते हैं, दोनों पर ही किया जाए तो कंपैरेटिव स्टडी बहुत अच्छी हो सकती है। द नेक्स्ट इज़ द पोर द क्रीम इनटू स्मॉल बेबी जार्स, ओनली फिल द जार हाफ फुल सो एज इट अलाउ रूम फॉर द बटर टू फॉर्म, प्लेस द कैप बैक ऑन द जार आफ्टर दे हैव बीन फिल्ड। फिर उसके बाद क्या करना है, स्टेप फोर है, नाउ इट इज़ टाइम टू शेक 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 शेक, टेक द बेबी जार्स फिल्ड विद क्रीम एंड बिगिन टू शेक दैम, दिस स्टेप कुड टेक क्वाइट अ वाइल, जस्ट टेक योर टाइम एंड कीप शेकिंग इट। फिर उसके बाद आप देखेंगी कि आपको पेरेंट्स इस तरह की नज़र आ जाएगी, पहला फेज इस तरह होगा, फिर दूसरा इस तरह होगा और फिर आखिर में इस तरह की शेप होगी। As you shake the cream, a ball of butter will begin to form slowly but container shaking until fully formed ball of, आप blender में डाल दें अगर shake नहीं कर सकती, जैसे हम दही से लस्सी बनाते हैं, तो अगर आप full cream आपके पास दूध है और आप उसमें blender में डालें और उसको काफ़ी blend करें, तो आप जब blender को settle down होने दें तो ऊपर उसके एक अच्छी thick सी butter की जो layer आ जाती है, ये उसी तरह का एक प्रोसेस है। फिर आप इसको वॉश द बटर, पोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कोल्ड वाटर उसमें डालें कि वो जो बटर है वो पिघले नहीं, बहे नहीं, बल्कि और सॉलिड हो जाए, और आप अच्छे से उसमें से वाटर कंटेंट हटा के और वो आपको बटर का एक बॉल सा मिल जाता है। प्लेस बटर इन अ कंटेनर एट सॉल्ट, इफ़ यू थिंक आप सॉल्ट डालती हैं या नहीं डालती तो इट्स अप टू यू। इसके अलावा फिर उसको अगर कोई फ्लेवर देना है, कोई गार्लिक फ्लेवर देना है, कोई देना है, इट्स अप टू यू, क्योंकि सॉल्टेड बटर भी होता है और अनसॉल्टेड बटर भी होता है, और ये इस तरह की शेप्स आ जाएंगी, एक घर में बना हुआ, एक जो है मार्केट से लाए हुए, और फिर इस बटर को जो आपने घर में बनाया है ईजीली ब्रेड के ऊपर डाल के आप खा सकती हैं। The end. ये प्रैक्टिकल आप घरों में करें और फिर मुझे इसकी फीडबैक दें। ओके, बाय।